सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। हम करते शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल के साथ, जहां पे सवाल ये था कि यार प्राइवेसी के मामले में ना आप मतलब किन स्मार्टफोन ब्रांड्स पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो आप में से 59% ने बोला है अमेरिकन फोन्स, बोले तो एप्पल गूगल वगैरह। बाकी बोला है 30% ने इंडियन ब्रांड्स, बहुत अच्छी बात है। और केवल 3% वोट्स मिले हैं चाइनीज फोन्स को। कुछ तो गड़बड़ है दया। यहां पर दोस्तों ऐसे मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि अगर आपसे बात करता हूं यू नो स्मार्टफोन चिप्स की, तो आप ऐसे में सबसे ज्यादा दमदार, एफिशिएंट, बहुत ही बेहतरीन किसको मानते हैं? मतलब यू नो क्वालकॉम, मीडियाटेक, एक्सिनोस, एप्पल या फिर वावे। बता दो दोस्तों कि आपका जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। यहाँ दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले डीडी इंडिया को लेकर। यहाँ पर दोस्तों ने पार्टनरशिप कर लिया है यप टीवी के साथ में कि कैसे अपनी ग्लोबल रीच को भैया एक्सपैंड किया जाए यू नो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो अगेन मतलब जो डीडी नेशनल है वो अभी यप टीवी पर अवेलेबल हो जाएगा ग्लोबली यू नो ऑडियंस को दिखवाने के लिए, देखने के लिए, अगर कोई एंजॉय करना चाहता है। तो हमारे पास में अभी वू का दोस्तों यहाँ पे मास्टरपीस ग्लो QLED टीवी सीरीज आ गई है इंडिया में। 4K डिस्प्ले है। अगेन दोस्तों यहाँ पे 100 वॉट्स के स्पीकर्स वगैरह भी हैं और जो रेंज स्टार्ट होती है वो है 74,999 रुपीज से। अगला अपडेट निकल के आता है फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डेज सेल को लेकर। यहाँ पर दोस्तों शुरुआत होने वाली है 12 मार्च से। तरह तरह के डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं मोबाइल फोन्स, वियरेबल्स, यू नो टैबलेट्स वगैरह के ऊपर। तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं जाके सीधा फायदा उठा सकते हैं। हमारे पास में अभी BSNL जो है वो एक नया भारत फाइबर एंट्री ब्रॉडबैंड प्लान लेके आ गया है 329 रुपीज पर मंथ का, जहां पे मिलने वाला है 20 Mbps की स्पीड वाला इंटरनेट और जो लिमिट है वो है 1000 GB की। एक इंटरेस्टिंग यू नो प्लान रहता है जिन रीजन्स में कोई और ऑप्शन अवेलेबल ना हो। हमारे पास में फिलहाल अभी सैमसंग का जो गैलेक्सी S22 है, कुछ और दोस्तों पुराने वाले गैलेक्सी S सीरीज वाले मॉडल्स जो हैं वो अभी डीलिस्ट कर दिए हैं Geekbench ने, जो परफॉर्मेंस थ्रॉटलिंग का भी पूरा सीन निकल गया है उसके चलते। अभी देखते हैं कि सैमसंग जो है वो कैसे यू नो अभी अपडेट वगैरह के बाद में इस इशू को रिजॉल्व कर पाता है। अगली खबर निकल के आती है गूगल पिक्सल 6a को लेके। और यहाँ पर दोस्तों अगेन Geekbench का नाम है, बिकॉज Geekbench के द्वारा भैया कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह टिप की गई हैं, जहां पे इसमें लिस्ट किया गया है कि इसमें होगा ऑफ कोर्स गूगल का टेंसर चिपसेट और 6 GB की रैम होने वाली है। देखते हैं क्या पता हमको 8 GB रैम वाला ऑप्शन मिलता है या नहीं। वैसे अभी यहाँ पे सैमसंग जो है गैलेक्सी A53 कुछ स्पेक्स वगैरह सामने आ गई हैं और इसमें बोलते हैं कि हेडफोन जैक नहीं होने वाला है। तो देखते हैं कि मिड रेंज फोन्स हैं ये वाले, तो किस तरीके से जो है वो यू नो क्या स्पेक्स पैक करता हुआ सैमसंग हमको इनको ऑफर करेगा। अगला अपडेट निकल के आता है माइक्रोसॉफ्ट को लेकर। भैया इंडिया में ये अपना चौथा डेटा सेंटर जो है वो बनाने वाला हैदराबाद में। तो यार ये बहुत ही अच्छी बात है और अगेन मतलब यू नो माइक्रोसॉफ्ट के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया में काफी बड़ा बेस भी है माइक्रोसॉफ्ट का। हैदराबाद वगैरह में डेफिनेटली जो चीजें हैं वो बहुत बेहतरीन है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के लिए। अगला अपडेट निकल के आता है रियलमी GT2 प्रो को लेके। इसका दूसरा इंडिया लॉन्च है वो रिपोर्ट्स की माने अगर तो मार्च के महीने में होने वाला है और ऑफ कोर्स ये आएगा 12 GB रैम के साथ में, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ में। बस देखते हैं कि रियलमी इस फोन को फिर किस कीमत पे लॉन्च करेगा। अगला अपडेट निकल के आता है सीधा व्हाट्सएप को लेकर, जहां पे अभी यूजर्स को दोस्तों ये ग्रुप कॉल्स वगैरह में, ग्रुप चैट्स वगैरह में जो है वो पोल डालने का ऑप्शन देगा। तो मतलब अगर आप किसी ग्रुप में हैं वहां पे आप यू नो पोल कर सकते हैं, लोगों से फीडबैक ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग ऑप्शन है यू नो, अगर कभी कुछ अकड़ बकड़ बम्बे वो करना हो, लोगों की राय जाननी हो, तो ग्रुप में अभी आप पोल वोल का ऑप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में सैमसंग जो है वो एक नए गैलेक्सी सीरीज के फ़ोन के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पे ऐसा फोल्डिंग डिज़ाइन होगा और ये एक पी शेप के डिस्प्ले के साथ में आएगा। आई मीन पेटेंट निकल के आया यार सामने, तो देखते हैं एग्जैक्टली कि इस तरह का जो फ़ोन है वो हम कब तक देख पाते हैं। और आई मीन
इंटरेस्टिंग अप्रोच लगती है वैसे काफ़ी सैमसंग की। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में फिलहाल सैमसंग का भैया एक और अपडेट निकल के आता है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच जो है भैया वो कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे 190 GB डेटा जो है वो हैकर्स ने लीक कर दिया है। सैमसंग ने इस बात को माना भी है लेकिन ये भी कहा है कि यूज़र्स का डेटा बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन कुछ सोर्स कोड वगैरह कुछ कुछ और डेटा जो है वो अभी हैकर्स ने लीक किया है 190 GB का। हमारे पास में अभी वीवो का एक्स फोल्ड जो है इसके तो कुछ स्कीमेटिक सामने आई है कि आखिर कैसा हो सकता है वीवो का ये अपकमिंग फोल्डिंग फोन, और इसका कोड नेम बोलते हैं कि है बटरफ्लाई और ये अप्रैल के महीने में वीवो लॉन्च कर सकता है। तो आई मीन अभी समझ लो कि इस साल हमको बहुत सारे तरह तरह के फोल्डेबल्स देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ पे वैसे हमारे पास में क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है उसका एक नया अवतार आने वाला है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 Plus, और ये जो है बनाया जाएगा TSMC के द्वारा, 4 nm के ऊपर उसमें बेस्ड होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चिप होने वाली है और शायद फिर जो साल के सेकेंड हाफ में आने वाले कुछ दमदार फोन्स होंगे उसमें हमको ये चिप ज़रूर देखने को मिलेगी। अगली कहानी आती है यहाँ पे सैमसंग के ही बजट फोन्स को लेके, जहाँ पे दोस्तों हमको देखने को कुछ अभी नहीं मिलने वाला है और वो है चार्जर। मतलब सैमसंग अपने मिड रेंज फोन्स में से भी चार्जर को रिमूव करने वाला है, तो देखते हैं कि ये कौन से फ़ोन के साथ में स्टार्ट होगा और कैसा मार्केट का रिस्पांस रहता है। लास्ट दोस्तों खबर निकल के आती है BGMI लाइट को लेके। यहाँ पर दोस्तों अगर माने रिपोर्ट्स की तो अभी क्राफ्टन बहुत सीरियसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस गेम को लॉन्च कर सकता है। फिलहाल आपको दोस्तों पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो क्लियरली कहा था कि BGMI जो है वो एकदम अलग है पबजी से, तो बैन वैन का कोई टेंशन हो नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो क्राफ्टन इसी चीज़ के साथ में काफ़ी सीरियसली काम कर रहा है BGMI लाइट पे ताकि और ज़्यादा डिवाइसेस तक ये जो गेम है पहुँचाया जा सके। दोस्तों बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।